डियर फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है परसेंटेज की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगा। अभी तक तो सब आप लोग बेसिक चीजों को समझ रहे थे, आज सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि आज बताया जाएगा कि कैसे आप निकालते हैं। ठीक ना, सिंपल सिंपल बातें को मैं रखूंगा आप लोग के सामने। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कोई फल वाला जो है वो फल खरीदने गया, केला खरीदने गया, और उसने खरीदा केला, मान लीजिए जो है उसने 5 दर्जन केला खरीदे, और 5 दर्जन में कहेगा कि 10% जो है वो केला सड़ गया था या गल गया या खराब हो गया, तो कौन वो केला सही था? कभी पूछता है सही था, कभी पूछता है कितने केले खराब हो गए। ठीक ना, कितने केले खराब थे। तो ये 5 दर्जन का 10% निकाल लेंगे हम लोग। तो 5 दर्जन बराबर हाउ मेनी पीसेस, एक दर्जन में कितने पीस होते हैं? तो 5 दर्जन में कितने हो जाएंगे भाई? 60 पीस हो जाएंगे टोटल केला। और 60 पीस में 10% जो है वो क्या होता है आपका? खराब है, सड़ा हुआ है। तो निकालेंगे 10% ऑफ 60 पीसेज, 60 पीस का 10% निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? 10/100 × 60। इसमें क्या किया, इसको कैंसिल किया जाएगा और फिर इसको यहाँ पे कैंसिल, इसको टोटल कितने हो जाएंगे भाई? ये 6 केले जो है क्या है बाबू आपके? खराब है। तो सही केले कितने होंगे? कितना जाएंगे? 60 − 6 = 54। ये आपके रोटेन खराब केलों की संख्या हो गई और ये सही केलों की संख्या। क्लियर आंसर बाबू? क्लियर हो गया? और किसी को डाउट इसमें? समझ में आ गया? तो चलिए मान लीजिए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग आज सीखेंगे भाई, ये कैसे निकाला जाता है। इसी में आपको 200 क्वेश्चंस जो है आपको निकाल के लेके आना है। निकालिए 25% ऑफ 300 कैसे निकालेंगे? 25% ऑफ 300, तो सबसे पहले जैसे दिया गया 25% ऑफ 300, तो देखिए यहाँ से अभिराज बढ़िया से देखेंगे। सबसे पहले आप है ध्यान दो, सबसे पहले 25 को हटाएंगे, तो 25 के नीचे के बगल में क्या है? परसेंटेज है, तो क्या हो जाएगा? 25/100 और ऑफ को क्या लिखते हैं? और ये 300। अब क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, बचा कितना? 25 × 3, तो कितना हो गया? ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? कोई डाउट? मान लीजिए 300 रसगुल्ले थे, उसका 25% जो रसगुल्ले आप अकेले खा लिए, तो बताना है कौन रसगुल्ले खाए, तो 75। क्लियर हो गया? Yes, उसी तरीके का होएगा कि यदि आपको पॉकेट मनी 550 रुपीज मिलता है, कितना मिला? 550। और इसका 20% जो है आपने किताबों पे खर्च कर दिए, 110, तो कौन रुपया आपके पास बच गया? 110 बचेगा। कितना बच गया ये पूछा जाएगा? 440। तो कितना क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग 20/100 × 550 1070, ये हो गया। कितना बच जाएगा आपका? 5 × 5 = 10 कैरी 1, और 5 × 10 = 1 = 11। 110 जो है आपने खर्च कर दिया है, बच कितना गया? तो रेस्ट मनी या लेफ्ट मनी इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेफ्ट इक्वल टू 550 − 110। क्लियर हो गया? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 440 आ जाएगा। क्लियर ना? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन आप लोग, आप 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं वीडियो वाले बच्चों के लिए, वो लोग कमेंट करके अपना बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई, 30% ऑफ 900, दूसरा 25% ऑफ 360, तीसरा 75% ऑफ 365, चौथा 95.7% ऑफ 367। ये 4 क्वेश्चन आप लोग हैं वीडियो में, यदि समझ में आ गया तो बना के इसको कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।